हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह। आज मैं आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनाना सिखाऊंगा। एक पेन ड्राइव इस तरह के ले लेना और मैं पावर आईएसओ के थ्रू कैसे पेन ड्राइव बूटेबल बनाया जाता है वो बताऊंगा। और अभी टाइम हो रहा है 8:51, तो मैं सबसे पहले ब्राउजिंग ओपन करूंगा। ब्राउज में ओपन करने के बाद पावर आईएसओ को डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड मेरे सिस्टम आपको देख लेना, अपना सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट, यहाँ पे दो तरह के आते हैं। तो मेरा है 32 बिट, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। पहले डाउनलोड हो जाने के बाद ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड हो रहा है अभी, देखिए फ्रेंड, तो डाउनलोड हो गया है ये। हम चलेंगे इसके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए इसका राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यस करेंगे, फिर एग्री इंस्टॉल। नेक्स्ट, क्लोज। ये डाउनलोड हो गया है, अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन, ओपन करने के हम बाद हम करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद हम जाएंगे टूल्स के बाद जाएंगे क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो इसको पहले हम पेन ड्राइव को ड्राइव कर लेंगे अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में। मैं प्लग करता हूँ। टूल में जाने के बाद क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इसमें बता रहा है इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शन यू नीड रन पावर आईएसओ एज एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ओके कर देंगे, यस कर देंगे। और आप पेन ड्राइव में पहले से कोई डेटा है तो उसको पहले बैकअप ले लेना, नहीं तो फॉर्मेट हो जाएगा। कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से हम दे देंगे पाथ जहाँ से हमारा विंडोज का आईएसओ फाइल पड़ा हुआ है। तो मेरा विंडोज का कहाँ पड़ा हुआ है देखते हैं हम। डी ड्राइव में मैंने रखा था विंडोज, ये हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के साथ ही ये भी चल रहा है, प्रोसेस अभी चल रहा है। और इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद देखिए ऑल डेटा इन द यूएसबी ड्राइव विल बी ओवरराइट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ओके करेंगे।
ओपन हो गया फाइल, स्कैन वाला फोल्डर ओपन हुआ सर। Thank you.